Hey guys, welcome back to the channel Exam Time Gyan. आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके चैनल एग्जाम टाइम ज्ञान में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पीपी सवानी यूनिवर्सिटी है अपने सूरत में आई हुई है, वो काफ़ी जिनका मेरे को रिक्वेस्ट आ रहा था कि उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो आज की वीडियो में देखिए, जैसा कि हम पीपी सवानी यूनिवर्सिटी जो सूरत में वो सिचुएटेड है, तो वो पहली चीज़ हम जान लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट या सरकारी। तो बेसिकली वो अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो अब उसके बाद बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की, तो वो एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम है, मतलब जो PhD करना चाहते हैं उन लोग के लिए BCom MBA BBA रहना चाहिए या BSc रहना चाहिए, MSc रहना चाहिए अगर आपको PhD करना है तो। बाकी अगर एंट्रेंस, बाकी अगर 12th के बाद जो कोर्सेस हैं उनके लिए आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने पड़ेंगे ऑन द मेरिट बेस्ड। तो अब एप्लीकेशन की बात करें तो जो फॉर्म रहता है वो ऑनलाइन भराता है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, और वो एप्लीकेशन की फ़ीस 1000 rupees रहती है। अगर आपको एडमिशन चाहिए रहता तभी भरने का, वरना 1000 rupees आपके वेस्ट जाते हैं। फिर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग नहीं होती, मतलब आपका इंटरव्यू नहीं होगा एक तरह से बात करें तो। अब स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप होता है, पर वो बैकवर्ड क्लास के लिए, जनरल वालों के लिए भाई कुछ नहीं। अब बात करें कोर्सेस, तो जान मतलब हम लोगों को पता है यूनिवर्सिटी है, तो पहले हम फीस जान लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट की बात आती है तो कोई भी पहले फ़ीस ही देखता है, क्योंकि उसकी फ़ीस काफ़ी हैवी रहती है, सबके बस का नहीं रहता है कि वो मैनेज कर सके या कर सके। तो इसीलिए सबसे पहले फीस की बात करते हैं। जो BTech है हमारा, BTech 10+2 मतलब 12 चाहिए ऑफकोर्स आपको BTech करने के लिए, जिसकी फ़ीस है 89,000। अब आप सोचेंगे कि 4 साल की है, नहीं, ये पूरे 1 साल की फ़ीस है। अब BBA की बात करें तो BBA मतलब बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें भी 12 चाहिए आपको, 1.8 lakh फीस है पर ईयर की, तो ये काफ़ी महंगा है। अगर आपके पास पैसा है भाई तो आप जा सकते हो, ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी अच्छी है, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं और आप जाना चाहते तो बिंदास जा सकते हैं ये चीज़ के लिए। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पैसा हो ज़्यादा भाई, पैसे वाले हो तो जाओ, अगर मिडिल क्लास से हो तो कोई मतलब नहीं, तब तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढो। अब BSc की बात करें तो BSc में भी 10+2 चाहिए, उसकी फ़ीस काफ़ी कम है दोनों के मुकाबले, BTech और BBA के मुकाबले, जो है 60,000। अब PhD की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो उसकी फ़ीस है 68,333 रुपये 1 साल की। अब BTech की बात करें 10+3 लेटरल, तो इसके बारे में मेरे को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब BTech इन डिज़ाइनिंग की बात करें तो 10+2 उसकी पर ईयर की फ़ीस है 2.5 lakhs। BSc प्लस MSc मतलब दोनों आपको वहीं पे करना है वहीं कॉलेज से, तो टोटल दोनों की मिला के पर ईयर 76,000 पड़ जाएगी आपको, और बेसिकली अगर हम BSc करने जाते तो 60,000 पड़ जा रही, मतलब पड़ जा रही थी। अब कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज जो कॉमर्स साइड्स के बोल सकते हैं या किसके एडमिशन्स हैं, तो BSc BA BBA BBM BCom BTech BTech इन आर्किटेक्चर, ये सब के लिए एडमिशन ओपन है, मतलब सभी कोर्सेज के लिए बेसिकली एडमिशन्स ओपन है। तो इसमें आपको अप्लाई करना पड़े, मतलब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, इन लोगों का कोई एंट्रेंस बेस नहीं होता कुछ। तो अब बात करें तो एडमिशन की, तो पीपी सवानी यूनिवर्सिटी ऑफर्स फुल ईयर, ये सब कहानी है, तो कहानी आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कोर्स 4 साल का रहता है, तो वो तो सबको पता है, टाइप फुल टाइम रेगुलर, फिर ये सब बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10+2 इक्विवेलेंट, वो एडमिशन क्राइटेरिया ऑन द मेरिट बेसिस, मतलब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसकी खुद की मेरिट उन लोग निकालते, तो वो मेरिट की बात कर रहे हैं इसमें, वरना आप सभी बोलेंगे कि वो वाली मेरिट नहीं, उसमें JEE मेंस और वो सब नहीं, उसमें कुछ नहीं चाहिए। द BTech प्रोग्राम इज ऑफर इन द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन, जो BTech है तो वो ये 5 चीज़ में देते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये बेसिकली 5 फील्ड में आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप इसमें जा सकते हो 89,000 पर ईयर के
अमाउंट को ध्यान में रख के, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो। बाकी जिसके पास पैसा है उनको तो कोई फ़र्क नहीं। अब बात करें कॉमर्स साइंस की, जो BBA है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स अंडर डिफरेंट डिसिप्लिन्स द कोर्सेज इज कंडक्टेड बाय द स्कूल मैनेजमेंट अप्रूव बाय द UGC, ये सब कहानी है। वो कहानी आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। बेसिकली एक ऊपर से आइडिया है कि मतलब ऊपरी आइडिया ड्यूरेशन 3 ईयर का, बेसिक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया तो सबको पता है 10th to 12th के बाद होता है मेरिट बेस, इसमें भी फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें मेरिट आएगी। अब बात करें और भी कोर्सेज की, तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी ये सब है। आप जैसा कि देख सकते हैं फिन, ये बेसिकली BSc है, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन माइक्रो बायोलॉजी, फिर उसके बाद BSc इन एनवायरमेंटल साइंस, BSc इन केमिस्ट्री, BSc IT, BSc इन मार्केटिंग, जो भी आपको करना हो वो कर सकते हैं। अब BCom प्लस MBA इंटीग्रेटेड, तो फाइनेंस, HR ये सब वगैरह वगैरह। तो आप ऊपर आपके स्क्रीन पे कोर्स आ रहा होगा BSc इन नर्सिंग, GNBA, BA भी कर सकते हैं आप। तो हम अब मेन बात करते हैं जो कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनकी वेबसाइट पर आना है, ppsu.ac.in, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और आपको एडमिशन टैब ओपन करना है। टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेने हैं, काफ़ी लोग बिना पढ़े क्लिक कर देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल डालना है, सिलेक्ट द स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल मतलब अपना स्कूल सिलेक्ट करिए, डिपार्टमेंट जो भी आपको लेना हो, BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, वो आपकी मर्ज़ी। OTP आएगा उसके बाद आपके मोबाइल पे, तो आप वहाँ स्टूडेंट पोर्टल पे आप वो लॉगिन कर सकते हो। फिर बाकी के वो सब फी पेमेंट करने रहेंगे 1000 rupees, अपलोड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ एज वेल, सिग्नेचर और फोटोग्राफ भी आपको डालने रहेंगे। जो फोटोग्राफ की साइज़ रहनी चाहिए वो 50 KB रहनी चाहिए, फॉर सिग्नेचर एंड मार्कशीट इज 100 KB, आपके सिग्नेचर और मार्कशीट अप टू 100 KB रहने चाहिए, मतलब 100 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 KB से नीचे ही आना चाहिए। तो फाइनली प्रेस द सबमिट बटन, तो सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जब भी उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी तो आपको चेक कर लेना है आपका रिजल्ट आया है, मतलब आपका नाम आया है कि नहीं उसमें, क्योंकि उसमें 30-60 जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हों। तो PP सवानी अप्लाई द एजुकेशन लोड वाया मीन्स ऑफ विद्या लक्ष्मी पोर्टल, जो भी है आप वो स्कॉलरशिप्स के बारे में लिखा है तो वो पढ़ सकते हैं आप। सो आज की वीडियो में इतना ही था यार, पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी एंड हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।